नमस्कार, मैं संजीव सुमन आपका News24x पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध की इफेक्ट पूरे विश्व पे पड़ना शुरू हो चुका है। महंगाई अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो कच्चे तेल की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस करके 120 बैरल डॉलर से ऊपर जाने के कगार पे पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध एक महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युद्ध का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के शेयर मार्केट पे पड़ना शुरू हो चुका है। आप कोई भी विश्व का कोई भी शेयर मार्केट उठा लीजिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, जापानी स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटेन स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज विश्व के हैं उन सब की हालत अब खस्ता होती जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय घरेलू शेयर मार्केट का भी हालत बहुत ही खराब है। लगभग 5 दिनों से मार्केट लगभग करोड़ों से खरबों रुपए तक यहाँ पे लोगों के पैसे डूब चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय मार्केट में इतने सारे पैसे डूब चुके हैं कि निवेशकों को लग रहा है कि अब इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सरकार के द्वारा जो IPO भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी, उसे भी अब पूरे विश्व पूरे भारतीय लोग यही चाह रहे हैं कि उसे अभी रोक दिया जाए। इसको लेकर वित्त मंत्रालय और खासकर वित्त मंत्री सीतारमन जी से भी बात की गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से यह अपील की जा रही है कि अभी LIC का IPO मार्केट में न उतारा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है वित्त मंत्रालय के तरफ से, उनके तरफ से भी इस पर पॉजिटिव साइन दिया गया है। यानी कि हो सकता है कि LIC का IPO अभी कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि यह युद्ध एक महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा और इसके परिणाम आने वाले समय में देश या विश्व को कैसे भुगतना होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि महंगाई अब अपने चरम सीमा पे पहुंचने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी अभी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकलकर उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर अब धीरे धीरे लौट ही रही थी कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया यह हमला ऐसा लग रहा है कि अभी एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा। इन सभी रिपोर्टों पर और इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस यह युद्ध कहां जाकर समाप्त होता है और इसके परिणाम आने वाले समय पे भारत और इसके साथ साथ पूरे विश्व को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल News24x को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सोमवार से मैं स्टोरियो का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। देखते रहिए News24x। तब तक के लिए मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।